हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप में से एक भाई ने मुझे इको क्रैश के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ गया हूँ। अगर बात करें मारुति सुजुकी की इको के बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गाड़ी है और इंडिया की सबसे ज़्यादा, मेरे अकॉर्डिंग से सबसे ज़्यादा सस्ती 7 सीटर कार है। अगर आप एक 7 सीटर कार देख रहे हो, तो इससे सस्ती शायद ही आपको कोई गाड़ी देखने को मिले। अब इस गाड़ी को तो आपने बहुत से रूप में देखा होगा, स्कूल वैन हो गई, टैक्सी हो गई, एम्बुलेंस, या फिर लोड माल वाल भी ले जाने के लिए, और नॉर्मली सवारी गाड़ी के रूप में भी ये गाड़ियाँ चलती हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पे इसको ईको नहीं कहा जाता, वैन ही कहते हैं, बट आप लोग ईको के नाम से इस गाड़ी को जानते होंगे, या फिर आपके स्टेट में अलग नाम से भी बुलाई जाती होंगी। बात करें इसके प्राइस की, तो 3.81 लाख रुपीस से शुरू होकर के 4.95 लाख रुपीस तक जाती है। और अगर सेफ्टी की बात आती है, तो भाई मत ही पूछो सेफ्टी के बारे में। मैं आप लोगों को कुछ भी सजेशन नहीं दूंगा कि लो या मत लो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी कि आप लोगों को एक सेफ गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी है। बस ये बता दूं कि इस गाड़ी की 0 स्टार रेटिंग है, और अभी तक मैंने जितने भी क्रैशेस की इमेजेस डाली हैं, मे भी मुश्किल से 2 या 5% गाड़ियाँ ही ऐसी होंगी जिसमें ये कोई बंदा बच गया होगा, ताकि ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट नहीं होगा वो। बट जितने भी भयानक एक्सीडेंट है, उसमें नॉर्मली 95% भाई साहब बंदा ख़त्म ही हो गया, कोई चांस ही नहीं है यार इसमें बचने का। आप कभी खुद ही बैठ के, आप लोग भी अपनी लाइफ में काफ़ी बार वैन में बैठे होंगे, हल्का सा कहीं पर भी बॉडी में मार दो, ऐसा लगता है जैसे गाड़ी, मतलब अजीब ही, टीन का डब्बा बोलते हैं भाई। मैं भी इसको तो टीन का डब्बा बोलता ही बोलता हूँ 100%। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोगों को इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी लगती है कितनी नहीं, मुझे कोई मैटर नहीं। आप लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहते हो वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि मैंने बहुत बार, जैसा मैं बोलता हूँ कि लोग कहते हैं टाटा की सेफ्टी, टाटा की सेफ्टी, एंड टाइम आकर के घूम फिर के वो जाते सिर्फ और सिर्फ मारुति सुजुकी की तरफ है। तो वीडियो देखो, इंजॉय करो, समझो इस चीज़ से जो मैं समझाना चाहता हूँ, कि हमेशा सेफ ड्राइव करो, और स्पेशली जब, तो बिल्कुल जब आपके पास एक अनसेफ कार हो। अब मैं ये नहीं कहता कि आपकी हर बार गलती होगी, उसमें भी गलती दूसरे की भी हो सकती है, बट अगर आप भी सेफ चलाओगे गाड़ी, तो आपकी ही प्रोटेक्शन होगी। We'll be right back.